और फिर वही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, बेस्ट विशेस टू होल वर्ल्ड, हमारी ये ख्वाहिश है और हम यही करते हैं तमाम दुनिया की, चूंकि दीन इस्लाम अमन का पैगाम देता है, तो हम तमाम दुनिया को बेस्ट विशेस कहते हैं। इसी में हम सबकी भलाई है। ग्रेट व्यूअर्स, ये नॉन शेड्यूल ब्रेकिंग इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमें थोड़ी देर पहले, कोई 3 घंटे पहले, हांगकांग से हॉलीडे हॉलीडे इन होटल हांगकांग से कॉल किया था फारूक राव साहब, एक फॉरेन कैरियर्स के मैनेजर हैं। देखिए अभी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ लाइन पे आ रहे हैं हांगकांग से। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको लाइव हांगकांग लिए चलते हैं और हांगकांग के वो नज़ारे दिखाते हैं जो हमने 1981 में हांगकांग एंजॉय किया था। लिहाजा लेट्स होप फारूक राव से रब्ता होता है, उनसे हम चैट करते हैं, गपशप कराते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं और हांगकांग में इस वक्त क्या हो रहा है वो आपको शेयर करवाने की कोशिश करते हैं। राव साहब सलाम वालेकुम। राव साहब थैंक यू वेरी मच। राव साहब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑफिसर थे। अजीब हिस्ट्री है, बड़ा दलेर, बड़ा दबंग, बड़ा दयानतदार ये राजपूत था। इसने एक ऐसा केस काउंटरों पे पकड़ा, वो हम आपको उनके साथ भी शेयर करेंगे, लेकिन शॉर्ट सा देखें कि आप वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल या नेकी कर थाने जा। तो ये फारूक साहब ने, ये काउंटर्स पे थे पुराने एयरपोर्ट पे, लाहौर के पुराने एयरपोर्ट पे ये काउंटर, पीआई के काउंटर्स पे ड्यूटी कर रहे थे, चेक इन कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि एक इनका ही कुलीग एक ऐसा पासपोर्ट लेके आया है जो शख्स मर चुका हुआ था, और ये जानते थे, ये बड़ा पटवारी किस्म का बंदा था, ये बड़े जायचे निकालने वाला, हर चीज ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। तो ये हमारे नोटिस में भी लाया कि सर ये वो बंदा जो लेके आया है वो पीआई का जूनियर कुलीग था, लेकिन वो वारदात में उसने ये किया कि वो पासपोर्ट जो बंदा मर गया उसका लाके वो किसी दूसरे को चढ़ा रहा था। तो इनके फारूक राव साहब ने देख लिया, फारूक राव साहब के नोटिस में आ गया, तो केस चल पड़ा। वो बंदा तो वहां से पासपोर्ट इनके हवाले छोड़ के वो भाग गया। केस चला, इनकी सिफारिश, उसने बड़ी सिफारिशें करवाई, लेकिन बड़ी सिफारिशें आई हमें भी और पीए ने उसको निकाल दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस शख्स ने वो केस पकड़ा, फारूक राव साहब ने, ये क्या जुल्म है कि ये हीरा भी गर्दाब में ऐसा आया कि उसका जो रैकेट था उस बंदे का, इसके पीछे भी लग गया और फिर उनका दाव लग गया। और जो ज्यादातर ऑनेस्ट पीए का एम्प्लाई था राव साहब जो है, फारूक राव, जिनके साथ हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात हो जाए हांगकांग में, क्योंकि हमारे दूसरी लाइन पे वो आए थे, कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ लें उसको, डीएनएन के पेज पे राव साहब को लें और आपके साथ गपशप चैट कराएं कि वो अब बात, अब एक दुनिया की अच्छी एयरलाइन के साथ वो अफसर हैं, जहाज में ट्रेवल करते हैं, एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, बड़ा कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट हो गया, पहले तो लकीरें शकीरें लगाने वाला दौर था, लेकिन अब वो टोटल कंप्यूटराइज है। आप जो ही चेक इन और फ्लाइट क्लोज करते हैं, सपोज लंदन की फ्लाइट चल रही है और जो ही आप गए आपने बोर्डिंग कार्ड लिया, और वो साथ साथ हर चीज अपडेट करते हुए जब फाइनल 368 या 355 356 जो भी कॉन्फ़िगरेशन का जहाज होता है, जब वो फाइनल चेक इन हो जाती है तो साथ ही एक बटन दबाया जाता है, और जो उसको उसको कहते हैं वो मुख्तलिफ नाम है, वो जो फाइनल डॉक्यूमेंट, तो और भी बेशुमार काम जहाज के होते हैं, लेकिन ये है कि जनाब फारूक राव साहब दोबारा आ गए, उनको वहां दिक्कत हो रही है हांगकांग से, हम आपको कुछ तुसी चेक कर लो, मीन वाइल तुसी ऐदे तई तुहानू गपशप करवाने। ग्रेट व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राव फारूक साहब। हाँ जी, तो मैं चूंकि दूसरे दूसरे शर्त, ओके ठीक है। ग्रेट व्यूअर्स, राव फारूक हमारे साथ मौजूद हैं हांगकांग से, कोशिश करेंगे आपको इसी पे दिखाएं क्योंकि वहां से नेट कनेक्ट नहीं हो रहा उनसे। वो बाद में जब इंशाल्लाह वो दूसरे विजिट पे जाएंगे हांगकांग तो फिर उनसे शेयर कर लेंगे, लेकिन इस वक्त फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, फारूक राव साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक वालेकुम सलाम के मियाना साहब। सर जी आप कैसे हैं? यू वेरी मच फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डीएनएन दोस्त 11। आप इस वक्त लाइव हैं
जरा शेयर कराइए लोगों को, पहले तो तमाम पाकिस्तान की तरफ से हांगकांग को ये चीनियों ने कमाल बनाया। और राव साहब आपको बताऊं कि जो पहला ट्यूब स्टेशन मैंने 1981 में देखा हांगकांग जब मैं गया, तो मैंने वहां देखा कि कौमें कैसे तरक्की करती हैं। फिर मैंने उसको मुसलसल लोगों को बताया और तारफ करवाया कि ना कोई जब वो बना होगा उससे भी, जब मैंने उसको देखा था हांगकांग को तो 81 था, तो कौमें कैसे तरक्की करती हैं राव साहब। अब आप बताइए कि मैंने 39 साल पहले देखा, आज हांगकांग की क्या सोचते हैं, जरा व्यू करवाइए अपने। आप राव साहब इस वक्त किस जगह पे मौजूद, जरा बताइए कहाँ ठहरे हुए आप। कमियाना साहब, हांगकांग शहर के दो पार्ट हैं। जी हाँ। एक पार्ट का नाम है सोहो। जी हाँ। दूसरे का नाम है कोलोन। कोलोन, जी हाँ। कोलोन में पाकिस्तानी, कोलोन बड़े, कोलोन में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी अखबार हैं। अच्छा जी। दोनों के दरमियान ना छोटा सा ओशन है। जी जी। तो शिप्स के जरिए और पेरिस के जरिए हम लोग आते जाते हैं। जी हाँ। मैं इस वक्त सोहो में ठहरा हूँ। ओके। बहुत बिजी एरिया है, बहुत बिजी, और हॉलीडे इन होटल है ये, शायद आपको व्यू नजर आ रहा हो। जी आ रहा है बिल्कुल। मैं आपसे राव साहब, पहले ये मैंने अभी हिस्ट्री बताई है कि आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में आपने जो बहुत बड़ा कारनामा दिया किया, मैं एयर मार्शल जनाब अरशद मलिक साहब जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनको ये टैग करूंगा कि ये हीरा ऑफिसर रौफ फारूक जो हैं, इन्होंने जो एक केस पकड़ा वो अभी मैंने शेयर कर दिया है। जरा छोटा सा वो भी बताइए कि आपने वो, आपको याद है नजीब केस, याद है आपको? नदीम और नदीमुल्ला, ये सर दो भाई थे। नदीम, जरा हाँ बिल्कुल, आप शॉर्ट सा बताइए कि आप काउंटर पे क्या कर रहे थे और उस केस में आपको कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी कि आपको वतन छोड़ना पड़ गया। जी हाँ सर, मैं वो केस मैंने पकड़ा था, मैं काउंटर पे चेकिंग कर रहा था, और मैं और राव साहब आपको याद होगा कि मैं उस वक्त, मेरा जो मुझे याद पड़ता है, आई वाज काउंटर सुपरवाइजर ओवर देयर, और आपने मेरे ही नोटिस में वो बात लाए थे। एग्जैक्टली कमियाना साहब, एक लड़का आता है मेरे पास, तो वो आके कहता है कि ये मेरा पासपोर्ट है। जी जी। और मुझे चेक इन कर दे। मैंने जब उसका वीजा देखा तो वो फॉरचुनेट इंडेक्स दोस्त था जो 3 महीने पहले जिसकी डेथ हो गई थी। और फौत हो गई चुका था। जी जी जी। वाह 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 राव साहब, आपको बड़ा याद है। अच्छा जी जी। अच्छा 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 आपके सारे, आपका जो इंतजाम है वो बाहर, जिम्मेदार कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, और इतनी देर में नजीबुल्ला अपीयर होता है। जी जी। तो नजीबुल्ला भी मुझे कहता है, कहता है रो साहब, मुझे ना ऐसे इशारा करता था। जी जी। कहता रो साहब डोंट वरी। तो सर जैसे ये केस हुआ था फौरन ही मैंने आपको बता दिया, मैं क्या कैमरा साहब, और वो हमने, और हमने कोई, राव साहब आपको याद होगा कि हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। वो नजीबुल्ला फिर निकल गया, वो एम्स्टर्डम पता नहीं कहां का चला गया, लेकिन अफसोस है कि वो माफिया आपके पीछे लगा रहा और PIA ने आप जैसा हीरा खो दिया, हमें उस पर बड़ा दुख है। लेकिन ये इस बात की बड़ी खुशी है, मैं एयर मार्शल अरशद मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि आज 20 साल के बाद, 22 साल के बाद भी राव साहब जरा अपना पोस्टर ठीक करें, आप थोड़ा सा अपना सामने आए तस्वीर अपने, यस यस, थैंक यू, और जरा व्यू भी दिखाते रहें साथ साथ, बेशक व्यू दिखाते रहें। तो हांगकांग अपनी विंडो होटल की हॉलीडे इन से हांगकांग दिखाते रहें ताकि हमारे व्यूअर जो हैं वो हांगकांग तो कम से कम देख लें। रंगीला ने तो कहा था कि हांगकांग के नलकों का पानी पीने गए हैं, मैं नलकों का पानी 1981 में पी के आ गया था। ग्रेट व्यूअर्स, इस वक्त हम लाइव हैं हांगकांग में जनाब वेरी सीजन PIA के साबिक ऑफिसर, और इस वक्त राव साहब जरा ये भी शेयर करा दीजिए कि इस वक्त आप किस एयरलाइन के ऑफिसर हैं। जी जी मुझे पता है, वो फारूक साहब वो मैं अपने सारा बोल चुका हूँ, वो आपके साथ ज्यादा मैं PA से टेकअप भी कर रहा हूँ, एयर मार्शल साहब को भी टेकअप करूंगा कि ये देखें कि जिन लोगों ने एयरलाइन को ब्लड दिया वो
पकड़े डाकू और खुद उनको एयरलाइन छोड़नी पड़ जाए, ये बड़ा जुल्म है। और इसी वजह से ये डूबी भी इसीलिए है, ये टाइटैनिक डूबा इसी वजह से कि जो डायमंड लोग थे उनको फॉर कर दिया गया और रातों रात चोरों चकारों को तरक्कियां दे के फॉरन स्टेशन मैनेजर लगाया गया, जनरल मैनेजर बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया और फिर सीईओ बना दिया गया। राव साहब इस पे हम परवाम करेंगे, आप बताइए कि इस वक्त आप किस एयरलाइन के साथ हैं? बस में बनाता लाहौर एयरपोर्ट छोड़ी जी जी, तो उस वक्त एक मेरे दोस्त उन्होंने राव साहब मूव करते रहे, राव साहब आप व्यू दिखाते रहे लोगों को, आप हांगकांग दिखाते रहे, आप बात करते रहे, हम आपको देख रहे हैं, आप हांगकांग लोगों को दिखाते रहे और अपनी गुफ्तगू जारी रखें। थैंक यू ग्रेट व्यूअर्स, दिस इज आउटर व्यू ऑफ हांगकांग फ्रॉम हॉलीडे इन होटल हांगकांग, जहां रौफ फारूक साहब इस वक्त एक एयरलाइन के बहुत सीनियर ऑफिसर की हैसियत से फ्लाइट लेके गए हुए, ये कहाँ कहाँ जाएंगे ये फारूक साहब बताते हैं, लेकिन फारूक साहब की गुफ्तगू सुनिए। फारूक राव, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डीएनएन एंड कीप वाचिंग डीएनएन। जी फारूक साहब, तो ये उनकी एयरलाइन थी जी पाकिस्तान बेस्ड एयरलाइन थी। ओके, किसने किस एयरलाइन के, किस राव साहब किस एयरलाइन के नाम से? रियान एयर, रियान एयर जो बाद में इसको कमीशन नहीं हो सकी, रियान एयर जो कमीशन हो सकी, वेरी सैड। ओके अच्छा, उन्होंने ये उनको हमारा बेस्ट रिगार्ड्स कहिए फारूक साहब, अपने सीईओ को, अपने ओनर को बेस्ट रिगार्ड्स कहिए, और हम इंशाल्लाह आपकी दावत पे और आपके सीईओ की दावत पे, बल्कि आप खुद ही कह दीजिए, हम उनका दुबई में ऐसे बाकमाल लोगों को इंटरव्यू करेंगे और जिन्होंने आप जैसे डायमंड का इंतखाब किया। क्या नाम है सर? क्या अच्छा अच्छा मानू सिंधी मानू वाह 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 सुठो मानू राव साहब, ये राव साहब हमारे व्यूअर्स को बताइए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तमाम कलीग्स भी आपको देख रहे हैं, ये बताइए कि ये पैसेंजर एयरलाइन है या कार्गो है, ये बताइए। ओके अच्छा अच्छा जकार्ता से वेरी नाइस। और राव साहब आप इनके साथ कब से हैं? अच्छा माशाल्लाह जी जी, उस वक्त से लेके आज तक करिए ना 8 जहाज से शुरू किया था सर, इस वक्त कंपनी के पास 10 जहाज है माशाल्लाह। आपने मुझे बताया था जब आप जा रहे थे, और एरियन एयरलाइन का मुझे पता है कि कमीशन ना हो सके, अनफॉर्चुनेटली वो माफियाज है ना, यहाँ अच्छा काम नहीं कर रहे थे ना। और असल में शाहीन को प्रमोट करते करते शाहीन भी बैठ गई, पीआईए का पट्टा बैठ गया, खुदा करे ये अब एयर मार्शल साहब तशरीफ लाए हैं 16-17 साथ अपने एयरफोर्स के एवियंस लाए हैं, एयर कमोडोर्स हैं, एक पूरा, मैंने तो कल कहा था कि पूरा स्क्वाड्रन लेके आए हैं खुदा करे, और ये पीआईए में जो जंग हारी हुई है वो जीत जाए। लेकिन फारूक साहब आपको भी पता है कि पीआईए में भी एक ऐसा नेटवर्क है जो चलने नहीं देता, और उनके पीछे
माजी के ऐसा ऐसा एमडी वगैरह हैं जिनके अब भी बालके वालके हैं, वो आगे नहीं लोगों को बढ़ने देते। खुदा करे एयर मार्शल साहब हैमर करें सबको, और ये जो नकाब ओढ़े उनके साथ लग गए हैं, खुदा करे एयर मार्शल साहब जल्दी इनको पहचान जाए और अल्लाह ताला पीआईए को सलामत रखे, मुल्क को सलामत रखे। राव साहब जरा आप व्यू दिखाइए और बताइए कि ये हांगकांग में इस वक्त जहाँ आप बैठे हैं हॉलीडे होटल के बाहर, ये सामने क्या है, कुछ चीजों की मोटी मोटी जो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ये जरा मेहरबानी करके व्यूअर्स को शेयर कराइए। बिजनेस इतना बिजनेस है कि हर गली में हर सड़क पे बिजनेस जो है वो छोटा छोटा छोटा। और मैं एक आपको बात बताता हूँ, पिछले 2 महीने हांगकांग में छुट्टी थी, ईस्टर वजह से ईस्टर यूरोप में ईस्टर था, पूरे यूरोप में छुट्टी थी जी, इनकी वजह से इतना हांगकांग से कार्गो जाता है, हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद एक फ्लाइट कार्गो की निकलती है। जी बिल्कुल सही है। और इसको फारूक साहब इसको मिनी मिनी न्यूयॉर्क कहते हैं, इसको मिनी न्यूयॉर्क कहते हैं। बोले बोले बोले, आपका पैगाम जाएगा, उनको टैग करेंगे, आपका पैगाम जाएगा पीआईए के तमाम ऑफिसर्स को जाएगा, एविएशन डिवीजन को जाएगा, सिविल एविएशन के डीजीसीए को जाएगा, बल्कि सबको भेजेंगे। आप बताइए आपने क्या सीखा, आप अपनों में रह के कैसे रुल गए और आपको गैरों ने आंखों पे बिठाया, जरा बताइए। जी बिल्कुल सही है। वो मेंटेनेंस की वजह से और फ्लाइट क्रू की गलत शेड्यूलिंग की वजह से। राव साहब इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ ऐड करते हैं, बाहर आपका तो पता नहीं लेकिन यहाँ मैं ऐड कर दूं, जो मेजर वजह है वो हुक्मरानों के यारों ने डुबाया इसको। और सबसे ज्यादा और ये जो मेरे वाले सीईओ है इनका सबसे बड़ा ये है कि ये अपने जेब को साथ साथ लेके चलते हैं। 24 घंटे जब मैंने कॉल करनी है, मैसेज देना है, मुझे 1 मिनट के अंदर मेरा सीईओ जो है वो जवाब देता है। वाह, ये सक्सेस है, ये इजी एक्सेस। जी 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 राव साहब बोलते रहे, बताइए बताइए, अच्छा अच्छी चीजें बताइए, शेयर कराइए, अच्छी चीजें शेयर कराइए, आप बताइए। राव साहब कौन से राव साहब जहाज कौन से इस्तेमाल कर, राव साहब आपके एयरलाइन कौन से जहाज कौन से इस्तेमाल कर रही है? ओ अच्छा, ओ वाह वाह वाह, और फुल कार्गो मिलता है इनको? ये सारा फारूक साहब टेक्निकल चीजें भी शेयर करते हैं, ये लोग सोचते होंगे कि बंदा पीए के 2 ऑफिसर लगे हुए हैं, एक मीडिया में आ गया और बात है टेक्निकल। ये कितने आपके 747 में कितने पैलेट, टोटल पैलेटाइज है ना? हाउ मेनी पैलेट्स हैं, और ये कॉम्बी है या फ्लैट है, यानी अपर डेक लोअर डेक वाला सिलसिला है या टोटल फ्लैट है? जी जी, वो इनको वो मुझे तो पता है, इनको इनको क्या कहना, छोड़े इनको, इन्होंने क्या है तो आप, अब कूपन फाड़ने वाला दौर भी नहीं, कंप्यूटर पे है, मौजे हैं, सुबह पैदा हुए, दोपहर को 4 हुआ, शाम को 6 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, जनरल मैनेजर बने, डायरेक्टर बने और सीओ बने, लोग रुल गए और पांव में छाले पड़ गए, वो घर चले गए। जी राव साहब,
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ भाई ना भी राव साहब ना भी बताएं तो इस वक्त वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट कार्गो लिफ्ट करने वाले हवाई कंपनियां हैं उनके आप अफसर हैं। लॉन्ग लिव राव साहब, आप कोई पैगाम देना चाहें अपने दोस्तों के नाम, दराता के नाम, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के नाम और पुलवाम हमारे आप देखते हैं उनके बारे में बोले जो आपका ये खादम पुलवाम करता है। और देखें जीना मरना एयरलाइन के साथ पुलवाम बाकमा लोग के बारे में बताइए, लाइव विद वाई जे कमाना के बारे में बताइए, इस पे कमेंट कीजिए और रिसेंटली आपने कौन सा प्रोग्राम देखे प्लीज। बेशक 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। सर मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एजुकेशन की तरफ नहीं नहीं जा सका, हालांकि मेरा पूरा खानदान जो है मेरे मेरे मामू जो हैं वो सारे मतलब सारा खानदान जो है, मेरा छोटा भाई पीएचडी है, हम लोग सारे मतलब एजुकेटर हैं। अच्छा पीआईए के लिए कोई मैसेज आप पीआईए पीआईए के एयर मार्शल साहब के लिए कोई मैसेज दीजिए प्लीज, क्या क्या होना चाहिए कार्गो हमारे सेल्स प्रमोशन ऑफिसर को। आपको याद है फारूक साहब हमारा कार्गो तो लोगों को दे दिया जाता है, दूसरी एयरलाइन को दे दिया जाता है, वो तो पैसे हमसे लेते हैं सेल्स प्रमोशन वाले और कार्गो की टीम जो है कार्गो बाहर बेच देते हैं। छोटे कारकुन से लेके बड़े तक सर जी सब पे नजर रखनी पड़ेगी, अपने 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 ऑफिस में हर बंदा काम करे फिर जाके ये। और सेकंड सर कार्गो प्लीज पीआईए को कार्गो की तरफ लगाएं, दुनिया में बहुत दुनिया में इतना कार्गो है, इतना डेड लोड है, वी कांट इमेजिन सर। राव साहब आखिरी बात, कार्गो का आपने मशवरा दिया, मैं आपको क्या बताऊं कि यानी हमारे माफिया का ये हाल है कि हमारे अपने सेल्स प्रमोशन ऑफिसर जो हैं वो अगर इन सबको मैं तो सब कहता हूं आज चूंकि आप कार्गो के अफसर हैं मैं भी एयर मार्शल साहब से कहूंगा कि खुदारा इन सबको बुला के इनको टारगेट दे दीजिए कि इतना कार्गो नहीं आएगा और इतनी अपलिफ्ट नहीं होगी तो आपके खिलाफ केसेस कर दिए जाएंगे। ये मौजे कर रहे हैं, कोई काम नहीं करते और जो कुछ होता है बाहर हमारा बुकिंग ऑफिस जो थे वो भरे होते थे टिकटें, यानी अंदाजा करें इस वक्त ये जुल्म की इंतहा देखें। जनाब एयर मार्शल साहब के पीआईए का जो शहर लाहौर का टाउन ऑफिस है उसके अंदर काउंटरों पे टिकट की बजाय बाहर साथ उसी बिल्डिंग में एक ट्रेवल एजेंट है जो यहाँ के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो अब उनको आपने 8 ग्रुप दे दिया है उनके वो कजन हैं और पीआईए की टिकट वहां से बनती हैं, यानी पीआईए की अपनी बिल्डिंग के अंदर। ये पुराना पुराने खांचे तो थे ही थे कि जितने मार्केटिंग वाले थे वो टिकटें बाहर से बनवाते थे, अपनी एजेंसियां थी, लेकिन जुल्म देखें कि पीआईए की बिल्डिंग के अंदर मैंने कभी ऐसे नहीं देखा, राव साहब आपने भी नहीं देखा होगा कि पीआईए की बिल्डिंग के अंदर टाउन ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर ये नाम ले देता हूं साहिल ट्रेवल अंदर मौजूद है। और एयर मार्शल साहब ये आपको कोई कहने में हमें आर नहीं कि ये वहां जो पीआईए के पब्लिक रिलेशन के असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर समथिंग है उनके अजीज हैं और वो ब्राइबरी करके अंदर ट्रैवल एजेंसी चल रही है, ये कि अपनी सेल्स काउंटर खाली पड़े हुए हैं जो कभी भरे होते थे। राव साहब थैंक यू वेरी मच, आपने तैयार होना होगा, आप लंच करें, एक व्यू और हांगकांग का दिखा दें, ये लोग क्या याद करेंगे कि पीआईए के जो मोहब्बत करने वाले हैं वो दुनिया में हांगकांग में हों, वो न्यूयॉर्क में हों, वो मलेशिया में हों, वो ढाका हों। अच्छा राव साहब अब आपने कहाँ जाना है, जरा व्यू करवाने के बाद जरा बताइए फिर हम आपको आपने आगे ढाका जाना है। अच्छा ना और आपने आप राव साहब आपने उतने में राव साहब आपने लिंक शेयर करने का सीख लेना है अभी बैठ के आईटी होटल के आईटी को बुला के और उसके बाद
डायरेक्ट पेज पे आप आएंगे उससे राइजी हो जाएगा, लोग देख सकेंगे। क्योंकि मैं तो बड़ी डिवाइस पे हूँ, आप छोटी डिवाइस पे हैं, आप अभी ये सीख के जाएंगे। और फिर जो हमने खो दिया, जिस तरह आपको खोया, जिसको जिस तरह बड़े बड़े हीरो को खोया, इस तरह हमने ढाका खोया, जरा ढाका की भी याद ताजा करा दीजिए। जब आप जाएं तो कोशिश कीजिए कि आप अभी लर्न कर लें दोस्त टेलविन के पेज पे, और वहां से आप शेयर कराइए ढाका की रौनकें। और ये आपने अच्छा किया, मैं एयर मार्शल साहब को ये प्रॉम्प्ट, चूंकि सारे ही जाते हैं इंशाल्लाह, वो बहुत एंथुसियास्टिक हैं, बड़े माशाल्लाह बहुत ही वलवला अंगेज और लगे हुए हैं। अल्लाह करे उनके इर्द गिर्द जो जरासूमे हैं वो खुद ब खुद उनको डिस्ट्रॉय कर दें, और एयरलाइन तरक्की करे, आप भी तरक्की करें, और इंशाल्लाह जब आप वापस दुबई लौटें तो फिर कोशिश करें कि आपके सीईओ से इंटरेक्ट हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए, और उनका इंटरव्यू करें, ताकि लोग भी आगे बढ़ना सीखें। एयरलाइनें डूबती हैं और ब्रेन उठाते हैं, ब्रेन इदारों को उठाते हैं। लॉन्ग लिव फारूक साहब, टेक केयर, और आप ये सारा देख लीजिए दोस्त टेलीविजन के पेज को लर्न कर लीजिए, आईटी वालों से पूछ लीजिए, और फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्त टेलीविजन एंड कीप वॉचिंग। राव साहब स्टे ब्लेस्ड। जी राव साहब, कोई पीआई के लिए खास और पाकिस्तान के लिए कोई बेस्ट विशेष का पैगाम और हमारे प्रोग्रामों के लिए कोई अल्फाज कहना पसंद फरमाएं? आप शुरू से लेके आज तक मैंने कमियाना साहब को नेगेटिव नहीं देखा। थैंक यू, थैंक यू सर। कमियाना साहब को नेगेटिव नहीं देखा, पॉजिटिव देखा है, मुझे ये चीज आपकी तरफ खींचती है। थैंक यू वेरी मच। लॉन्ग लिव फारूक, आपने दुआ करनी है, आपने दुआ करनी है, परवरदिगार इसी तरह रखे और जीते रहिए। अच्छा, मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचाऊंगा, ये उनको प्रोग्राम भी भेजा जाएगा, और मैं उनको अभी आपकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, और अल्लाह ताला तौफीक दे। और बस यही दुआ करें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौशी हालत है वो बेहतर हो जाए, और ऐसे ही दौड़े पाकिस्तान जिस तरह आपकी एयरलाइन दौड़ी है, और आप जैसे नेक बच्चे जो हैं दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, और वो अगर हमारे मुल्क के हालात और बेहतर हो जाएं तो आपको क्या जरूरत है अपने बच्चों को छोड़ के, बच्चों की तालीम का सिलसिला है। आपने बड़ा जहाद किया है, अल्लाह ताला आपकी औलाद को और आपको हिम्मत दे कि आप पाकिस्तान की खिदमत कर सके। थैंक यू माय राव साहब, कीप वॉचिंग DNN एंड लव टू हांगकॉन्ग। आपने आज 37-38 साल के बाद हांगकॉन्ग याद करा दिया, और अब आप जल्दी से जाके प्रोग्राम दुबई का बनाएं, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री आऊंगा और आपके सीईओ का इंटरव्यू करूंगा, ताकि लोग देखें कि प्रॉस्पेरिटी इंसानों से आती है, इमारतों से नहीं आती। थैंक यू वेरी मच, फी अमल्ला, विश यू वेरी हैप्पी डे। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, हांगकांग जिंदाबाद। थैंक यू सर। द ग्रेट व्यूअर्स, ये थे फारूक राव साहब, हांगकांग से हमारे साथ थे, चूंकि उनको ये इस चीज की टेक्निकलिटी का नहीं इल्म था, वरना आपको हम ब्रॉडर कैनवस पे बड़ी स्क्रीन पे दिखाते, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी मोहब्बत फरमाई, टाइम निकाला और मुझे सोए हुए उठाया, क्योंकि रात बिजी थे, प्रोग्राम किया था, परसों प्रोग्राम किया था। आप मुसलसल देख रहे हैं कि हमने अपनी स्पीड तेज कर ली, आगे रमजान शरीफ आ रहा है, क्योंकि हमने लाइव तरावीज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लाइव अगर तरावी हो सकी लंदन या किसी दुनिया के मुल्क से तो वो भी एजाज हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अदरवाइज इफ्तारी, तो इफ्तारी का टच तो हम जरूर यूरोपियन कंट्री या जहां भी मुसलमान रोजा खोले होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए, इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, दुश्मन में नजर रखिए, और प्रोग्राम देखते रहिए, बाकमाल लोग, लाइव विद वाईजे कमियाना, एंड काइंडली प्रे फॉर योर दिस हम्बल होस्ट यकूब जावेद कमियाना। पाकिस्तान जिंदाबाद।